और यहाँ से अब के बीजेपी की तो बिल्कुल जमानत जब्त होनी है, 4-6 हजार वोट पड़ेंगे, उसके बाद बाकी सफाई मैदान कुछ नहीं। और यहाँ आज आपने देखा होगा अभी तक जाम लगा हुआ है पूरा अगला शहर, अलीगढ़ तक, इधर मथुरा तक, इधर हाथरस तक, इधर आप चले जाइए कह तक पूरा चौक जाम है। और यहाँ करीबन करीबन 10 लाख के आदमी आए हैं और देख रहे हो आप ये परिवर्तन। कुमार सहयोगी जी तो कहते मैं 80 सड़कें लेके आया हूँ। वो जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलेबाज विधायक हैं, वो केवल कहते हैं लेकिन जमीन तो उनका कुछ नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि राजकुमार सहयोगी जी जो है खाली कहते हैं करते नहीं है? जी कुछ नहीं, वो खाली कहते हैं क्या करे। राजकुमार सहयोगी जातवाद की राजनीति करते हैं? अभी क्या कहा आपने, अभी क्या नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी हमने सुना। राजकुमार सहयोगी जी बिल्कुल जातवाद की राजनीति करते हैं और वो जातवाद के ही आधार पर वोट मांगते हैं। तो मैं राजकुमारी सहयोग जी से लिए कहूंगा कि वो अब की बार इंग्लास के चुनाव मैदान में नहीं कूदे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम उसी भीड़ में अभी जहां से हमने देखा हेलीकॉप्टर से जैन जी गए और जैन जी के जाने के बाद में एक हमारे साथ में वीरेंद्र जी हैं, तो ये संभावित प्रत्याशी इंग्लास से माने जा रहे हैं और हम इन्हीं से जानेंगे कि इस भीड़ का, इस संभावित रैली का क्या फायदा इंग्लास के लिए मिल सकता है। जी फायदा तो ये है, लोगों में उत्साह, भीड़ को देख के बहुत ज्यादा उत्साह है, करीब 8-10 लाख पब्लिक होगी, लाखों तो रोड पे ही घूमते रहे। और यहाँ से अब के बीजेपी की तो बिल्कुल जमानत जब्त होनी है, 4-6 हजार वोट पड़ेंगे, उसके बाद बाकी सफाई मैदान कुछ नहीं है। सर जैसे हमने पिछली बार देखा यार बीजेपी की सीट निकली थी, RLD की सीट हार गई थी, तो क्या लगता है इतनी भीड़ देखकर बीजेपी का अगला जो काम रहेगा तो क्या हो सकता है? योगी जी क्या सोच सकते हैं इतनी बड़ी भीड़ को देखकर? पहली बात तो ये है, यहाँ से RLD हारी नहीं थी, बाई चांस प्रत्याशी कहते भी पर्चा नहीं भर पाया था यहाँ पे, नहीं पिछली बार भी जीतते, अब के जो है तो दूनी तिगनी चौगुनी जीत होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो और आपको लगता है जैन चौधरी यहाँ पर आए तो इनका कहीं ना कहीं फायदा आपको मिलेगा? सारा फायदा मिलेगा भाई, जब राष्ट्रीय नेता आए हमारे तो उनका सारा फायदा मिलना है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। वैसे 100% फायदा रहेगा, नेता के आने से पब्लिक में उत्साह होता है और उमंग पैदा होती है, फायदा मिलता है। क्या लगता है इस तरीके से गठबंधन की बात करें तो ये जो सीट है इग्लास की किसके खेमे में जा सकती है? RLD के खेमे में जाएगी, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, RLD की सीट है हमेशा से ही। तो जिस तरीके से हमने अभी देखा भी और सुनने में भी आया, सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिली कि यदि RLD सपा गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या जैन चौधरी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं आने वाले समय में? पक्का बनेंगे उप मुख्यमंत्री, तो कम से कम बनेंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं है, पक्का बनेंगे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भैया ये बड़ा ही पट्टा बड़ा अच्छा लग रहा है आपने डाला हुआ है, तो आप यहाँ पर आने का मेन मकसद क्या है? ये गठबंधन का पट्टा है, एक ये देख सकते हो आप। और यहाँ आज आपने देखा होगा अभी तक जाम लगा हुआ है पूरा अगला शहर, अलीगढ़ तक, इधर मथुरा तक, इधर हाथरस तक, इधर आप चले जाइए कह तक पूरा चौक जाम है। और यहाँ करीबन करीबन 10 लाख के आदमी आए हैं और देख रहे हो आप ये परिवर्तन है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो यहाँ से RLD सीट निकल पाएगी? बिल्कुल निश्चित निश्चित 1000% यहाँ से RLD की सीट निकलेगी और हमारे जैन चौधरी उप मुख्यमंत्री निश्चित बनेंगे। तो जिस तरीके से बीजेपी तो बार बार कहती आई है यहाँ पे हमने बहुत विकास कराया है, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने इलास में कोई विकास कराया है? आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए आप बीजेपी का विकास नहीं देख लीजिए, यहाँ आप खड़े हो वहीं देख लीजिए, कहाँ है विकास, हमें तो दिखाई नहीं देता कहीं विकास। राजकुमार सहयोगी जी तो कहते मैं 80 सड़कें लेके आया हूँ अभी। वो जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलेबाज विधायक हैं, वो केवल कहते हैं लेकिन जमीन पर उनका कुछ नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि राजकुमार सहयोगी जी जो है खाली कहते हैं करते नहीं है? जी कुछ नहीं, वो खाली कहते हैं। जी क्या कह रहे हो? राजकुमार सहयोगी जातवाद की राजनीति करते हैं? नहीं, अभी क्या कहा आपने, अभी क्या कहा? नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी हमने सुना। राजकुमार सहयोगी जी बिल्कुल जातवाद की राजनीति करते हैं और वो जातवाद के ही आधार पर वोट मांगते हैं। तो मैं राजकुमारी सहयोग जी से लिए कहूंगा कि वो अब की बार इग्लास के चुनाव मैदान में नहीं कूदे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे सुनने में आया है कि यहाँ से इग्लास से राजकुमार सहयोगी जी को भी सीट मिल सकती है, ये चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनके लिए अगली आधार क्या होगी? आप लोग राजकुमार सहयोगी को कभी भी बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मिलता है तो क्या आधार है? आधार रहेगा, जमानत जब्त हो जाएगी। अभी मैं एक बार और पूछना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द बोला, एक बार और नहीं, मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूँ शब्द को, लेकिन ऐसा है कि वो जो राजकुमार सहयोगी वो जातवाद की राजनीति करते हैं।
वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।